पूनम ढिल्लों एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री, टेलीविजन अभिनेत्री, थिएटर अभिनेत्री और टेलीविजन सेलिब्रिटी हैं। जो बॉलीवुड के साथ साथ कन्नड़, तेलुगु, मराठी और पंजाबी सिनेमा में अपने काम के लिए जानी जाती हैं। अपनी पहली फिल्म त्रिशूल से पूनम ढिल्लों सभी फिल्म निर्माताओं और फिल्म निर्देशकों की पहली पसंद बनी हुई थी। हर कोई उन्हें अपनी फिल्म का हिस्सा बनाना चाहता था। 80 और 90 के दशक में अभिनेत्री पूनम ढिल्लों टॉप की अभिनेत्रियों में शुमार की जाती थी। सिर्फ 16 साल की उम्र से अपनी पहली फिल्म में बॉलीवुड में एंट्री करने वाली पूनम ढिल्लों ज़्यादातर समय अपनी फिल्मों से ज़्यादा अपने प्रेम प्रसंगों को लेकर मीडिया में चर्चा का विषय रहती थी। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम उनकी निजी जिंदगी से जुड़े हर एक पहलू पर नज़र डालेंगे। आपको बताएंगे उनकी लव लाइफ से लेकर उनकी शादी, तलाक और उनकी फिल्मी करियर के बारे में। पूनम ढिल्लों का जन्म 18 अप्रैल सन 1962 में उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में पिता अमरीक सिंह ढिल्लों और माँ गुरचरण कौर ढिल्लों के घर हुआ था। ऐसा कभी हुआ नहीं, जो भी हुआ वो हुआ। पूनम ढिल्लों के पिता अमरीक सिंह भारतीय वायु सेना में एक वैमानिक इंजीनियर थे। अक्सर उनका तबादला हो जाता था। उनकी माँ एक स्कूल में प्रिंसिपल थीं। पूनम की बहन डॉक्टर रिश्मा एक डॉक्टर हैं और इनका भाई बलजिंदर सिंह वो भी एक डॉक्टर थे, लेकिन उनकी डेथ हो चुकी है। अपने भाई बहनों की तरह पूनम भी एक डॉक्टर बनना चाहती थी। चोरी चोरी कोई आए, चोरी चोरी कोई आए। लेकिन उनकी किस्मत में अभिनेत्री बनना लिखा था। पूनम ढिल्लों को अपनी 10वीं कक्षा पूरी करने के बाद ही उनकी पहली फिल्म त्रिशूल में काम करने का मौका मिल गया था। 16 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब जीतने के बाद पूनम ढिल्लों ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की। इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा चंडीगढ़ के कारमोल कॉन्वेंट स्कूल से प्राप्त की थी। 10वीं कक्षा के बाद इनकी पहली फिल्म त्रिशूल में काम करने के बाद इन्होंने फिर से अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में दाखिला ले लिया। जहां से इन्होंने बीए की डिग्री हासिल की। अपनी बीए की डिग्री मिलने के बाद ये फिर से फिल्मों में बिजी हो गईं, जिससे उन्हें और आगे पढ़ने का मौका नहीं मिला। लेकिन इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के सपने को सच करने के लिए एक फिर से पढ़ाई करने का सोचा। साल 2013 में पूनम ढिल्लों जारो एजुकेशन इंटरनेशनल बिजनेस इंस्टीट्यूट ब्रुसेल्स बेल्जियम से एमबीए एवं साल 2018 में झारखंड राय विश्वविद्यालय रांची से इन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। मौसम प्यार का पूनम की पहली फिल्म त्रिशूल की सफलता के बाद कई निर्देशक पूनम ढिल्लों के साथ काम करना चाहते थे, लेकिन फिल्म निर्माता रमेश तलवार को ऐसा करने का मौका मिला था। वो शुरू से ही पूनम को अपनी फिल्म नूरी के लिए अभिनेत्री के रोल के लिए कास्ट करना चाहते थे। फिल्म में कास्ट करने के बाद
फिल्म की शूटिंग के दौरान रमेश और पूनम अच्छे दोस्त बन गए थे। ऐसा माना जाता था कि फिल्म निर्माता रमेश को पूनम ढिल्लों से प्यार हो गया था। जबकि पूनम हमेशा उन्हें अपना अच्छा दोस्त मानती थी। 1980 के दशक की शुरुआत तक मीडिया ने पूनम ढिल्लों और रमेश तलवार के अफेयर के बारे में रिपोर्ट करना शुरू कर दिया था, लेकिन दोनों ने हमेशा गपशप को खारिज कर दिया। पूनम ढिल्लों और रमेश तलवार की गुप्त सगाई की अफवाहें भी थीं और पूनम सबसे लंबे समय तक चुप रहीं, क्योंकि वो उनको मिलने वाली फिल्मों के ऑफर से हाथ धोना नहीं चाहती थीं। कुछ समय बाद पूनम ढिल्लों और रमेश तलवार के अफवाह भरे रिश्ते का अंत हो गया था। इतना ही नहीं दोस्तों, इनका नाम तो डायरेक्टर रमेश शिप्पी के साथ भी जोड़ा गया था, लेकिन यहाँ भी इनकी किस्मत ने इनका साथ छोड़ दिया। इनके पिता की डेथ के बाद इन्होंने फिल्म निर्माता अशोक थकेरिया के साथ शादी कर ली। लेकिन ये शादी भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकी। शादी के 9 साल बाद दोनों का तलाक भी हो गया। इस तलाक को लेकर कई वजह भी बताई जा रही थी, जिसमें कहा जा रहा था कि शादी के बाद पूनम ढिल्लों ने फिल्मों से ब्रेक ले लिया था। सालों बाद जब उन्होंने वापसी की तो पति अशोक को ये बात पसंद नहीं आई। मैंने तुझे कभी कुछ कहा था। जिसके बाद इन दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। पूनम ढिल्लों के 2 बच्चे भी हैं, अनमोल और पालोमा। 1980 के दशक में पूनम ढिल्लों ने अपनी सफलता के शिखर को देखा था। ये वो समय भी था जब उनकी फिल्म निर्माता राज सिप्पी से दोस्ती हो गई थी। राज सिप्पी और पूनम ढिल्लों की मुलाकात एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई थी। पूनम को पहले से ही शादीशुदा डायरेक्टर राज सिप्पी से प्यार हो गया था। राज के साथ उनका रिश्ता शहर में चर्चा का विषय बन गया। पूनम ढिल्लों ने राज से शादी करने की भी ठान ली थी, लेकिन राज पूनम से शादी करने के लिए अपने परिवार को छोड़ने के लिए राजी नहीं थे। पूनम राज के जीवन में दूसरी महिला की भूमिका नहीं निभाना चाहती थी, और फिर वो अलग हो गई। उनके ब्रेकअप ने पूनम को महीनों तक परेशान रखा था। साल 1988 पूनम ढिल्लों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल गुजरा। राज और उनकी प्रेम कहानी के अंत के कुछ महीनों बाद उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। जैसा कि हमने आपको बताया कि इनके पिता की मौत के बाद इसी साल इनकी मुलाकात अशोक ठाकरिया से हुई थी। पूनम ढिल्लों ने अशोक ठाकरिया से एक कॉमन फ्रेंड उमेश मेहरा के जरिए मुलाकात की थी। ओ गए दीवाने तुमको देख कर इस हाल में, बोल तो मीठे बोल सोनी। जिन्होंने उस साल दोनों को अपने फार्म हाउस पर होली मनाने के लिए आमंत्रित किया था। अपने पिता को खोने के गम में पूनम एक कोने में बैठी हुई शोक मना रही थी, और तभी अशोक ठाकरिया की नज़र उनके ऊपर पड़ी और पूनम ढिल्लों की खूबसूरती देखकर उनको पहली ही नज़र में उनसे प्यार हो गया था। अपने पिता की मौत का शौक मना रही पूनम को खुश करने के लिए उन्होंने इन पर एक बाल्टी पानी फेंक दिया। पूनम उनकी इस हरकत के बारे में सोचकर अपने पिता के गम को भूल गई थी, जो कि अशोक ठाकरिया चाहते थे। पूनम ढिल्लों को अशोक संवेदनशील वाला व्यक्तित्व बहुत पसंद आया, और उस दिन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। अपनी पहली मुलाकात के बाद से ही
अशोक ठाकरिया ने लगभग प्रतिदिन पूनम ढिल्लो को फूल भेजना शुरू कर दिया था, जब तक कि उन्होंने उनकी शादी के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर लिया। इन दोनों की शादी 1988 में हुई थी। शादी के 2 साल बाद अशोक वापस अपने काम में व्यस्त हो गए थे और पूनम ढिल्लो को वापस अपनी बॉलीवुड की जिंदगी याद आने लग गई। जो उन्होंने अशोक से शादी करने के लिए छोड़ दी थी, उन्होंने अपने पति के काम में बिजी रहने और उनके ऊपर ध्यान ना देने के कारण वापस से बॉलीवुड में काम करना फिर से शुरू कर दिया था। 1978 में आई इनकी फिल्म त्रिशूल, यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित और गुलशन राय द्वारा निर्मित भारतीय रिवेंज ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में इनके साथ अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, संजीव कुमार और हेमा मालिनी जैसे दिग्गज कलाकार थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के बाद त्रिशूल साल 1978 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। इनकी दूसरी फिल्म नूरी, जो साल 1979 में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज़ हुई थी, ये एक कम बजट वाली फिल्म थी। इस फिल्म को दर्शकों ने बहुत पसंद किया और इनकी दूसरी फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई। 1979 में इनकी दूसरी फिल्म नूरी की ब्लॉकबस्टर हिट के बाद इन्हें लोकप्रियता और फिल्म जगत में नाम और प्रसिद्धि मिली। चोरी चोरी कोई आए, चोरी चोरी। इस फिल्म में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर नामांकन भी मिला था। पूनम ढिल्लो ने अपने करियर में बीवी ओ बीवी, सदियों से दुनिया में यही तो किस्सा है, काला पत्थर, तेरी मेहरबानियां, ये तो कमाल हो गया, बंटवारा, कर्मा, ना जइयो परदेस रे माहिरे, सोहनी महवाल और कसम जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी। इन्होंने हिंदी फिल्मों के अलावा तमिल और बंगाली और कन्नड़ भाषा की फिल्मों में भी काम किया। इन्होंने उस जमाने में सुपरस्टार अभिनेता राजेश खन्ना के साथ 6 फिल्मों में काम किया, जिनके नाम थे दर्द, निशान, जमाना, आवाम, रेड रोज और जय शिवशंकर थे। पूनम ढिल्लो ने टीवी जगत में एंट्री साल 1995 में जी टीवी के शो अंदाज से की थी। इस शो में इन्होंने अभिनेता सुदेश बेरी के साथ काम किया था। इसके बाद ये साल 2002 में टीवी शो चुस्त दुरुस्त को होस्ट करती हुई देखी गई थी। साल 2002 से साल 2004 तक इन्होंने जी टीवी के किटी पार्टी में मंजू का किरदार निभाया था। साल 2009 में पूनम ढिल्लो ने बिग बॉस के 3रे सीज़न में प्रतियोगी के रूप में भाग लिया था। साल 2013 में मुख्य भूमिका में भारतीय टेलीविज़न पर इनकी बड़ी वापसी सोनी टीवी पर धारावाहिक एक नई पहचान के साथ हुई, जहां पूनम ढिल्लो ने एक अमीर बिजनेसमैन की अनपढ़ लेकिन आदर्श पत्नी की भूमिका निभाई थी। इसके बाद इन्हें साल 2014 में कपिल शर्मा के कॉमेडी शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में एक अतिथि के रूप में अभिनेता धर्मेंद्र के साथ देखा गया। साल 2018 में सोनी टीवी के टीवी शो दिल ही तो है, इसमें ममता नून का किरदार के रूप में ये दिखाई दी। पूनम ढिल्लो को लेकर बहुत से किस्से हैं दोस्तों, जिसमें शशि कपूर वाला किस्सा तो सबको हैरान कर देता है। दरअसल पूनम ढिल्लो यश चोपड़ा की फिल्म की शूटिंग कर रही थी। इस फिल्म में हीरो थे शशि कपूर। फिल्म का एक सीन था जहां शशि कपूर को पूनम ढिल्लो को थप्पड़ मारना था। जैसे ही यश चोपड़ा ने एक्शन बोला, वैसे ही शशि कपूर ने पूनम ढिल्लो को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद पूनम हक्की बक्की रह गई थी। शशि कपूर ने ये इसलिए किया था ताकि ये सीन रियल लग सके। हालांकि इसके बाद शशि कपूर ने पूनम ढिल्लो से माफ़ी भी मांगी थी।
और शशि कपूर ने बताया था कि उन्हें ऐसा करने के लिए खुद यश चोपड़ा ने कहा था।